आज का हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, सेल। तो देखिए, सेल क्या होती है? एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाती है। मतलब जो सेल का काम होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का होता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम होता है, वो सेल कहलाएगी। हम अपने घरों में भी सेल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैटरा होता है, यानी बड़ा जो बैटरा होता है इन्वर्टर पर चलता है, ठीक है, या बैटरी जो होती है 12 वोल्ट की, उनके अंदर सेल लगी होती है, 6 सेल होती हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में उसके बारे में भी, ठीक है, वो भी सेल होती है। इसी तरह से घड़ी की सेल होती है, और इसी तरह से रिमोट की सेल होती है। इन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन जो ज्यादातर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही बदला जाता है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब देखिए, जैसे कि कोई घड़ी की सेल होगी, रिमोट की सेल होगी, उसके अंदर क्या भरा रहता है? केमिकल भरा रहता है, ठीक है। और जब वो केमिकल डिस्चार्ज हो जाता है कंप्लीटली, तो वो सेल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, हम उसे दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं फिर। तो देखिए, सेल दो प्रकार की होती है। सेल निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरी होती है विद्युत रासायनिक सेल। अब इन दोनों सेलों के अलग अलग काम है। विद्युत अपघटनी सेल जो होती है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। जो हम घरों में बड़ा बैटरा इस्तेमाल करते हैं वो जो होता है विद्युत रासायनिक सेल होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले लेंगे हम विद्युत अपघटनी सेल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है? जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और इस सेल में विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाएगी, ये मेन पॉइंट है इसका। विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। तो मैं यहां पर इसका चित्र बना देता हूं, विद्युत अपघटनी सेल का, थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी चित्र से। और तो इस सेल में एक पात्र होता है, ये हमने एक पात्र ले लिया, और जिस पदार्थ का हमें विद्युत अपघटन कराना होता है उस पदार्थ के विलयन को हम इसमें भर लेते हैं, इस पात्र के अंदर। जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, मतलब जिस विद्युत अपघट्य का हमें विद्युत अपघटन कराना होता है उसे हम इसके अंदर भर लेते हैं, विद्युत अपघट्य। अब हम इसमें क्या कर देते हैं? धातु की दो छड़ लटका देते हैं, ये धातु की दो छड़ें हमने इसमें लटका दी। अब इन छड़ों का संबंध बाह्य बैटरी से कर देते हैं ताकि विद्युत धारा प्रवाहित की जाए अंदर विलयन में। इन छड़ में बैटरी का इन छड़ों का संबंध बैटरी के ध्रुवों से होता है। जिस छड़ का संबंध बैटरी के धन ध्रुव से होता है वो एनोड होता है, और जिस छड़ का संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से होता है वो कैथोड होता है। तो मतलब जो ऋण ध्रुव है इसमें ये कैथोड हो गया, मतलब कैथोड का कार्य करता है, और जो धन ध्रुव हो गया ये एनोड हो गया। क्लियर हो गई बात ये? तो अब देखिए, ये क्या होती है? बैटरी। अब विद्युत अपघट्य के घोल में दो प्रकार के आवेश होंगे, एक तो धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। एक तो ए पॉजिटिव होगा और एक ऋणायन होगा, बी नेगेटिव होगा, ठीक है। हमने मान लिया कोई विद्युत अपघट्य ए बी है, तो उसका जलीय विलयन हमने इसमें भरा है, तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में वो टूटा रहेगा, ठीक है। अब हम विद्युत अपघटन की क्रिया, मतलब बाह्य परिपथ से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस विलयन के अंदर, इन छड़ों के द्वारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। एनोड पर कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया, और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। मतलब जो बी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला हो गया ना, तो एनोड की ओर गति करते हैं,
और जहां जाकर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया जो होती है वो अपचयन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। मतलब जो बी नेगेटिव हो जाएगा वो एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और बी में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। तो एनोड पर कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया, और कैथोड पर होती है अपचयन की क्रिया। तो दूसरा लेंगे हम यहां कैथोड पर, जो इसमें ए पॉजिटिव आयन हो गए वो कैथोड की ओर को गति करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला ही है, नेगेटिव ध्रुव हो गया, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। कैथोड से जो ए पॉजिटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है। आज की वीडियो में डिस्कस करना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत रासायनिक सेल समझाई जाएगी। थैंक यू।